हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये बेडशीट पैचवर्क डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन से हम बेडशीट या हम क्विल्ट भी बना सकते हैं। बेडशीट पैचवर्क डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन हम दो कलर के कपड़े से बनाएंगे। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, कपड़े को मैंने कट कर लिया है। तो ये दो पीस है हमारे कपड़े के। तो ये मेजरमेंट में हमारे जैसे 10 इंच है यहाँ से, और इस साइड से भी हमारा 10 इंच है। ये भी सेम है, हमारा 10 इंच है और यहाँ से भी 10 इंच है। ये दोनों पीस को हम इस तरह से रख लेंगे। ये सीधी साइड है हमारी, ये हमारी इस तरह से ऐसे आएगी, दोनों कपड़े की सीधी साइड अंदर को आएगी। ये दोनों पीस कपड़े के इस तरह से बराबर करके हमने रख दिए हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ से ये कॉर्नर है, यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान लगा। अब इसके सामने यहाँ पे हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। ये 2 इंच का निशान हमारा इस तरह से रहेगा। अब ये निशान मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया है, यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। इतने पार्ट पे हमारी सिलाई नहीं आनी है। इस साइड में भी हमने यहाँ से सिलाई लगानी है यहाँ तक, और इतना 2 इंच का पार्ट है, यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई है, और ये साइड की सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा दी है। ये हमारा जैसे यहाँ पे 2 इंच छोड़ा है, यहाँ पे छोड़ा है, तो ये कॉर्नर है, यहाँ से हमें एक तिरछी लाइन लगानी है। ये हमारा इस तरह से एकदम बराबर आनी चाहिए लाइन, जैसे ये लाइन लगा देंगे। ये लाइन लग गई हमारी। अब इस लाइन से हमें कट कर देना है। ये हमारे 2 पीस बन गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये पीस है हमारा, इसे हमें इस तरह इस पीस पे ऐसे लाना है। ये दोनों पीस बराबर रख दिए। अब देखिए, हमारा ये जैसे छोड़ा मैंने 2 इंच का, ये हमारा इस साइड में आया है और ये हमारा इस साइड में आया है। अब जैसे यहां से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से निशान लगा, और इस साइड में भी हमारा 2 इंच पे निशान आएगा। ये साइड है, यहाँ से भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे भी हमारा आता है, वहीं पे हमें 2 इंच पे ऐसे आ गया हमारा। अब ये निशान है और ये 2 इंच का निशान है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन लगा लेंगे। ये 2 इंच पे लगाया है। अब यहाँ पे भी, जहाँ पे भी हमारा आएगा 2 इंच, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया। अब ये भी दोनों को यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। ये हमारे एकदम बराबर आनी चाहिए लाइनें। ये लाइन लग गई, ये भी लग गई। अब इसे हमें कट कर लेना है, यहाँ से जैसे हमारी लाइन लगी वैसे ही कट कर लेंगे। ये इस तरह से पीस बन गए हमारे, और ये लाइनें हैं, ये भी हमें कट कर लेनी है यहाँ तक, और आगे वाली भी कट कर लेंगे। ये सारे पीसेस हमारे कट गए हैं। अब ये सबसे पहले ये पीसेस उठाएंगे हम। जैसे ये हमारा इस तरह से बना है और ये हमारा इस तरह से बना है। अब ये दोनों पीसेस को हम इस तरह से रखेंगे। जैसे ये पीस है, यहाँ पे हम आयरन भी कर लेंगे पहले, जो हाथ से ऐसे कपड़े को दबा लेंगे। तो ये है हमारा जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, इस तरह से ये इधर आना चाहिए ऐसे। इस तरह रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये पीस हमारा इस तरह से बन गया है। यहाँ पे हमें आयरन कर लेनी है। ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी सिलाई लगाएंगे हमें आयरन करनी है, जिससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी, और ये जब हम सिलाई लगाएंगे तो भी ये हमारा एकदम बराबर आएंगी। ये पीस हमारा इस तरह से बन गया है। अब अगर थोड़ा बहुत हमारा आगे पीछे है कपड़ा, तो इसे हमें कट करके बराबर कर लेना है चारों साइडों से। ये पीस हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमारे ये पीसेस हैं, तो ये हमारे दो दो हैं जैसे। तो ये पीस है, इसे हम आयरन कर लेंगे सभी पीसेस को। जैसे ये पीस है, इसे हमें जैसे वाइट इस साइड में और ये हमारा इस साइड में ऐसे लगेगा, और ये भी हम इस तरह से लगाएंगे। ये 2 पीस इस तरह से लग गए। अब ये दूसरे 2 पीस हैं हमारे, जो साइडों में हमारे कटिंग के थे, ये भी हमारे इस तरह से आएंगे। इसके बाद हमारे ये पीसेस हैं कटिंग वाले, जो हमारे कटिंग के हैं। तो ये वाइट वाला हमारा इस साइड में लगेगा इस तरह से। तो ये हमारा जैसे इस साइड में लगेगा, ये वाइट, और ये हमारा पर्पल आएगा।
ये वाइट इधर लगेगा और ये पर्पल हमारा यहाँ लगेगा। ये कटिंग के सारे पीस मैंने इस तरह से सेट कर दिए हैं, जैसे ये पर्पल आएगा तो यहाँ वाइट आएगा, तो ये वाइट आएंगे तो यहाँ पर्पल आएगा, इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब इन पीसेस को हम सिलेंगे, तो सबसे पहले हम ये तीन पीस सिलेंगे। तो जैसे ये पार्ट है इसे हमें यहाँ पे सिलना है और ये पार्ट भी यहाँ पे सिलेंगे, तो ये पीस और ये पीस दोनों इसी तरह सिलेंगे। ये पीस और ये पीस दोनों सिल दिए हैं। अब ये सेंटर वाला है इसे हमें सिलना है, तो यहाँ से इस तरह से सिलेंगे और ये हम यहाँ पे सिल देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो कॉर्नर से कॉर्नर है हमारे एकदम बराबर आने चाहिए, तो यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। ये पीस भी मैंने सिल दिया है। अब यहाँ पे हम सारे पीसेस में प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद ये पीसेस हमारे इस तरह से सेट हुए हैं। अब तीनों को हमें सिलना है, जैसे ये पीस है इसके साथ हमें इसे सिलना है, तो यही हमें ये कॉर्नर का ध्यान रख के सिलाई लगानी है। तो ये कॉर्नर हमारे एकदम बराबर आनी चाहिए सिलाइयाँ। ये दोनों पीस ज्वाइन कर दिए हैं। अब ये तीसरा पीस है इसे भी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, लेकिन यही कॉर्नर का ध्यान रख के हमें सिलाई लगानी है। ये सारे पीसेस ज्वाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये पीस हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। देखिए हमारे कॉर्नर से कॉर्नर एकदम बराबर आए हैं। ये हमारे तभी बराबर आएंगे जब हमारी कटिंग, जब हम मेजरमेंट लेते हैं वो बराबर होगा, और जब हम स्टिचिंग करते हैं तो वो हमारी एकदम बराबर आएगी, तभी हमारे ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलेंगे। अब जैसे ये हमारे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से एकदम बराबर लाइन लगा लेनी है ये, और इस साइड में भी जैसे ये लाइन लगाई है मैंने, ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हमें कट कर लेना है, और ये है हमारा, इसे भी कट कर लेंगे, तो ये कॉर्नर हमारा एकदम बराबर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी कॉर्नर भी हम कट करेंगे। अब देखिए ये सारा मैंने ट्रिम कर दिया है साइडों से, तो ये हमारा एक पीस बन के रेडी हो गया है इस तरह से। तो इस मेजरमेंट में ये बना है हमारा 11.5 इंच, और इस साइड से भी हमारा 11.5 इंचेस है। जैसे इस पैटर्न से हम 10x10 का कुशन कवर बना सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो 2-2 इंच का हम इस दोनों में से कलर की एक पट्टी काट के साइडों में लगा देंगे, चारों साइडों में, तो ये हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कुशन कवर बन जाएगा। इसी तरह से हम चार पीस रेडी करेंगे सेम साइज के। तो ये चार पीस हैं हमारे, इन पीसेस को हम सेट करेंगे। जैसे एक पीस हमने इस तरह से लगाया, तो दूसरा पीस भी हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे ये वाइट है, कॉर्नर हमारे इस तरह से आने चाहिए, ये हमारे इसके साथ मैच होंगे और ये हमारे इसके साथ मैच होंगे। ये दो पीस लग गए हैं। अब ये तीसरा पीस है, हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे ये पार्ट हमारा इस तरह से आएगा और ये हमारे इसके साथ ज्वाइन होंगे। ये लास्ट वाला पीस है, इसे हमें इस तरह से लगाना है, तो ये हमारे इस तरह कॉर्नर मिलेंगे और वाइट वाले हमारे इस तरह से मिलेंगे। तो ये चार पीस है इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अगर आपको बेडशीट बनानी है तो आप इस तरह के पीसेस बना ले, जितनी बड़ी आपको बनानी है तो उस हिसाब से बनाते जाएं, और इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे आगे आगे, तो ये हमारी एक बड़ी बेडशीट बन जाएगी। जैसे ये चार पीस है, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ये पीस है, इसके साथ हमें यहाँ पे सिलना है, लेकिन ध्यान रखना है ये जो हमारे जैसे कॉर्नर है ये हमारे एकदम बराबर आने चाहिए, तो यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ। बाद ये पार्ट है, इसे भी हम इसी तरह सिलेंगे। ये पीस और ये दोनों पे ने सिल दिए हैं। अब दोनों को हम प्रेस कर लेंगे यहाँ पे। ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं। इन दोनों को पीसेस को हमें सिलना है। तो जैसे ये सेंटर का है हमारा पॉइंट, और ये भी हमारे जो कॉर्नर है एकदम बराबर आने चाहिए, तो यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। सारे पीस ज्वाइंट हो चुके हैं, यहाँ पे आयरन मैंने कर दी है। इस तरह से ये हमारा डिजाइन बना है। ये डिजाइन हमारा इस मेजरमेंट में बना है, यहाँ से 21 इंचेस है, इस साइड से भी हमारा ये 21 इंचेस है। तो 21x21x का ये ब्लॉक बना है। ये हमारा बेडशीट पैचवर्क डिजाइन बनके रेडी हो गया है। इस डिजाइन से आप चाहे टेबल का कवर बनाएं, बेडशीट बनाएं, या क्विल्ट बनाएं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बनाएं। तो इस तरह से हम जैसे पैचेस जोड़ते जाएंगे, जितना मर्जी बड़ा डिजाइन बना सकते हैं। उस साइडों में हम जैसे इसमें से एक कलर का, जैसे 4x4 या 5x5 का एक पट्टी लगा लेंगे, जिससे कि और भी हमारा ये अच्छा लुक देगा। फ्रेंड्स, पैचवर्क बेडशीट डिजाइन हमारा बनके रेडी है।
वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।